वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान प्रदेश में मेवाड़ अंचल के जिले उदयपुर की पंचायत समिति लतसाड़िया से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंचायत समिति अग्गड़। अग्गड़ में बंजर पड़ी भूमि को एक नया स्वरूप देने के लिए ग्रामवासियों की सहमति व ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चारागाह विकास कार्य एवं पंचफल वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। इस जनहिताकांक्षी कार्य पर स्वीकृत हुई राशि 17.94 लाख रुपए है। इस बहुउपयोगी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, ट्रेंच खुदाई, नाड़ी निर्माण, चार दीवारी निर्माण आदि कार्य किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से अग्गड़वासियों को रोजगार तो मिला ही है, इसके साथ यहाँ की जलवायु, यहाँ का तापमान और यहाँ का वातावरण सुरम्य लगने लगा है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं इनके व्यक्तिगत जीवन में एक नया परिवर्तन भी नजर आने लगा है। अब ऐसा लगता है कि अग्गड़वासियों को अपनी कुओं में जलस्तर की कमी, जानवरों के लिए चारे की समस्या, रोजगार की समस्या, कम वर्षा की समस्या आदि के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के आ जाने के बाद से अग्गड़वासियों के जीवन दुश्वारियाँ विलुप्त होने लगी है और इन ग्रामवासियों में नव चेतना का संचार होने लगा है। मैं रविलाल मीणा, उप सरपंच, ग्राम पंचायत अगड़। जो ये पंचफल योजना में जो सारा का काम हुआ है, जो नरेगा मार्फत से, और जो लॉकडाउन में लोगों को रोजगार नहीं था, रोजगार भी मिला, और गांवों वालों को ये जमीन के सब पेड़ पौधे लगाए हैं, बाउंड्री बनाई है, सब सुविधा मिले, पानी की रुकावट होगी, और जो निवासी सारा और हम सब इसको समिति के मारा सब रखवाली और रखेंगे और हाँ लंबे समय से चलेंगे और फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिला और मिलेगा। बदले हम तस्वीर जहाँ की, बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक जहाँ बनाएं, संदेश ये हम सब तक पहुँचाए, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं। मेरा नाम लोगनलाल मीणा है, गांव अग्गड़, ग्राम पंचायत अग्गड़, पंचायत समिति लसाड़िया, जिला उदयपुर। यहाँ सरागा का काम हुआ है, कोर्ट बना के, फिर बाउंड्री बना के, फिर ये ट्रेंचा खोदी है, फिर पेड़ पौधे लगाए अंदर, रतन जोध है, सारा बीज भी है, और भी कोई नर्सरी के पौधे हैं। पौधे लगाने से ये फायदा है कि लकड़ी भी मिलेगी सूखी कहीं, और इनका बीज भी आएगा, वो भी मिलेगा पंचायत वालों ग्रामीणों को। ये नरेगा थ्रू हुआ, लेबर ने किया है। लॉकडाउन के समय हमारे पास रोजगार नहीं था, इसलिए ये भी काम हो गया, और व्यवस्थित जमीन भी अभी वो सारा जैसा हो गया, मवेशी को काम आएगा, सब जैसे दोनों काम हो गए।
नाम बताओ। मेरा नाम वीरेंद्र मीणा, ग्राम पंचायत अगर, पंचायत समिति बसालिया, जिला उदयपुर। काम तो यहाँ ये बनाया, मतलब काल में नरेगा का काम चल रहा है। दीवार बनाई है, फिर इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं, ये ट्रेंच खुदवाई है, फिर रतन जोत के बीज लगाए हैं, शेकडम भी बनाए हैं। रतन जोत और ये अलग अलग पेड़ पौधे नर्सरी से लगाए हैं इसमें। यहाँ से तो हमारे को फायदा होगा, यहाँ मवेशियों को भी फायदा होगा, हमारे को भी फायदा होगा। घास काट के ले जाएंगे, रतन जोत कोई पेड़ पौधे से वो लगेंगे बीज, वो भी ले जाएंगे तोड़ के। पंचायत को भी इनकम होगी और हमारे को भी होगी, रोजगार मिलेगा। नरेगा में काम किया है, लॉकडाउन में हमारे पास काम नहीं था तो लॉकडाउन में हमें यहाँ काम किया था। ग्राम तो अगर, ग्राम पंचायत अगर है, पंचायत समिति लसाड़िया, जिला उदयपुर है। नाम रूपलाल मैणा। चारागा में लेबर लगी, नरेगा की लेबर लगी, कोड करवाया, मैं ट्रेंच खुदाई, ट्रेंच के बाद टैंक्स लगाई पाला नाके से बंदा, इसके बाद रतन जुद्ध शोभिया और छरागा आ लीजिए वावी और रुपा पौधा लगा दिया। इससे फायदा ये होगा, पौधा मोटा होगा सर, पौधा मोटा होगा, फिर पाड़ा जो टेंच ना गया इससे ज़मीन टूटेगा नहीं, और कोट खुदे इसमें घास रहेगा, फिर नामा कटिंग करेगा, ये फायदा जानवर के लिए। पहले कैसी स्थिति थी ये बताओगे, वो जो साफ पास वाले, पहले पास वाले इससे स्थिति और ख़राब थी, इससे ये तो क्या वो ये रख रहा है, इसलिए बड़े बड़े भी लक्ष्मी छोपा कमाता, इसलिए वो थोड़ी ठीक लग रही। पास वाले पहाड़ी है जैसी दिखाती थी, ये भी कर रहा है ना। हाँ, लॉकडाउन के हिसाब कटे जा नहीं सकता था, तो लेबर लगा भी पांच लेबर तोंगा में करके फिर रोजगार मिला बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा लोकललाल मेरा गांव अगड़, ग्राम पंचायत अगड़, पंचायत समिति लसाड़िया, जिला उदयपुर। यहाँ सारा काम हुआ, ये पहले तो वॉरंटी कराई थी, वॉरंटी होने के बाद में पेड़ पौधे लाए थे और इसमें अच्छा बढ़िया लगवाया और बाग जैसा हो गया, ये अभी बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है। और ये पहले तो जैसे ज़मीन पड़ी थी जैसे, इसमें अभी दीक्षा नहीं, ये बढ़िया लग रहा है। और इसमें लॉकडाउन में कहाँ किधर किधर जा नहीं सकते, यहाँ लेबर लगवाई थी, यहाँ काम करवाया तो भी नरेगा का, तो भी पैसा मिला, लोगों को रोज़गार मिला, तो अच्छा काम हुआ। हाँ, बिल्कुल बढ़िया सुंदर लग रहा है। फ़ायदा तो यह होगा, वहाँ घास होगा तो भैंस और बकरी खाएगा तो वो अच्छा रहेगा, पेड़ पौधे लगाने तो हरिया बाग हो गया तो सुंदर लग रहा है, रोज़गार भी मिल गया, नहीं ये भी मिल गया, ये भी अच्छा हुआ, बढ़िया काम हुआ, बिल्कुल। धन्यवाद।
वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्ष हमारी जान, वृक्षों की रक्षा हो तो, वृक्षों की रक्षा हो तो बने पर्यावरण की शान, बने पर्यावरण की शान। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हम सबके जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी शान साबित होने वाला है। आत्मविश्वास में दम हो इतना, आत्मविश्वास में दम हो इतना कि सफलता निकलनी चाहिए, खुदी हो बुलंद इतनी कि बाधाएं पिघलनी चाहिए, बाधाएं पिघलनी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना के बाद ग्रामीणों के जीवन में आई बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगी हैं और इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ बहुत सरल सुलभ होने लगी है।